ये सच्ची घटना पे आधारित है। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। एक शहर के मंत्री अपने शहर के लोगों को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। वो उस व्यक्ति के पास गए और पूछा कि सुनो जी बाबू साहब, तुम्हारे पास ठंड के कपड़े नहीं है क्या? नहीं बाबू साहब। ठीक है, मैं ठंड के कपड़े भिजवाता हूँ। धन्यवाद बाबू साहब। और उसके बाद वो वहाँ से अपने घर चले गए और किसी काम में व्यस्त होने की वजह से वो उसे कपड़े भिजवाना भूल गए। जब अगले दिन उन्हें याद आया तो वो घर के बाहर गए और उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति मरा पड़ा था और उसके बगल में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि साहब, आपके किए गए वादे की वजह से मैंने ये उम्मीद लगाई थी कि आप मुझे ठंड के लिए कपड़े भेजोगे और जिस उम्मीद की वजह से मुझे ठंड लगने लगी, जबकि पिछले 5 सालों से मैं इसी कड़ाके की ठंड को आसानी से झेल लिया करता था। कुछ समझे? जिंदगी में किसी से इतना भी उम्मीद मत लगाओ कि उम्मीद के साथ साथ तुम खुद भी टूट जाओ।